प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 22 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि करियर में नए और बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। इस साल वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास करिए और इस साल अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रामचरितमानस के अयोध्या कांड को थोड़ा सा दुख वाला लोग समझते हैं कि यहां से दुख है और यहां पीड़ा का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना चाहिए। जबकि रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही आदर्श चरित्र का आरंभ होता है। यहीं से श्री राम के भगवान राम बनने की यात्रा आरंभ होती है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि अयोध्या कांड नहीं पढ़ना चाहिए तो ऐसा गलत है। आप बिल्कुल रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में है, आप उसके परिवार के व्यक्ति हैं, आप चाहते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर घर आ जाए, तो रोज सुबह और शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो जाता तब तक हर शनिवार हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करिए और नियमित रूप से गरीबों को सिक्के का दान करते रहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बीमार व्यक्ति जो हॉस्पिटल में है वो जल्दी ठीक होगा, जल्दी घर आएगा, उसकी बीमारी दूर होगी। अगर आप कोई रुका हुआ काम पूरा करना चाहते हैं, आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं बन पा रहा, नहीं पूरा हो पा रहा, तो लगातार 3 दिनों तक भगवान गणेश को दूर्वा की माला, दूब घास की माला लगातार 3 दिनों तक अर्पित करके प्रार्थना करिए। आपका रुका हुआ, फंसा हुआ काम निश्चित रूप से बन जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।